हमारा चैप्टर चल रहा है दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं अमल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तथा अमल और क्षार को समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे। कौन सा था? आरहेनियस का सिद्धांत था, दूसरा था ब्रांस्टेड एंड लोरी, और तीसरा हमारा कौन सा सिद्धांत है? लुइस का सिद्धांत है, जिसमें हम आरहेनियस के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आरहेनियस ने क्या बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर या जल में अपघटित होकर एच प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, तथा जो जल में घोलने पर ओ एच माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। परंतु उस सिद्धांत में क्या थी? कुछ कमियां थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सभी कमियों को दूर करने के लिए क्या दिया गया था? एक दो वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टर्ड एंड लोरी, दो साइंटिस्ट थे। जो ब्रांस्टर्ड था वो तो कौन सा था? डेनिस था, डेनिस केमिस्ट था। और दूसरा जो था लोरी, वो क्या था आपका? अंग्रेज केमिस्ट था। इन दोनों ने अपना एक सिद्धांत, स्वतंत्र रूप से एक सिद्धांत दिया, जिसको आप क्या कहते हो? ब्रांस्टर्ड एंड लोरी सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, या संकल्पना कहते हैं। इन दोनों के अनुसार जो अमल है, अमल क्या होते हैं? इन दोनों के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटोन का मतलब हो गया बेटा एच प्लस आयन, जो प्रोटोन देते हैं वे अमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। क्या देंगे अमल? प्रोटोन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो गया क्षार। क्षार किसको कहेंगे? बिल्कुल, वे पदार्थ जो प्रोटोन प्रोटोन यानी कि एच प्लस ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या हो गया आपका? अमल हो गया प्रोटोन दाता। क्या हो गया? प्रोटोन दाता हो गया, ये प्रोटोन दाता। क्षार क्या हो गया? क्षार हो गया आपका प्रोटोन ग्राही हो गया, ठीक है। तो जो प्रोटोन ग्राही है वो तो आपका क्या हो गया? क्षार हो गया। जो प्रोटोन देता है वो क्या हो गया आपका? अमल हो गया। तो इसके अनुसार क्या था? प्रोटोन डोनर यानी कि प्रोटोन दाता अमल, तथा प्रोटोन ग्राही यानी कि जो प्रोटोन ग्रहण करता है, एच प्लस ग्रहण करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अब मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले रहे हैं, हम दो तीन उदाहरण लेंगे, फिर उसके आधार पर हम समझेंगे कि आपके अमल होते क्या है। तो सिंपल सा ये आपने ये याद रखना है कि प्रोटोन दाता जो है वो अमल है, और प्रोटोन ग्राही क्या है? आपके क्षार है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे इसमें समझेंगे कि वो कैसे प्रोटोन देता है और कौन सा प्रोटोन लेता है, ठीक है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, HCl, ठीक है, प्लस H2O लिया मैंने। ये क्या करता है? ये वाला जो है H प्लस जो है क्या देगा? ये H, क्योंकि यहां पर इसको आप तोड़ोगे तो इस पे क्या आएगा? H प्लस आएगा, और इधर क्या आएगा आपका? Cl माइनस आएगा। तो ये क्या करता है? H प्लस ये इसको दे देता है। किसको दे देता है? जल को दे देता है। तो यहां क्या बना? क्या बना यहां पर? ये बन गया एक एच प्लस, इसके पास गया तो दो तो थे ही, एक इसके पास चला, क्या बना? H3O+। फिर यहां बचा क्या? Cl माइनस बचा। अब इस अभिक्रिया हम क्या देखें कि अब हमें पता, ये रिएक्शन दिया और ये पूछा कि अमल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो आपने सिंपल इसको देखना है, फिर इनको देखना है कि यहां से HCl था और वो क्या बनाया? Cl माइनस बनाया। इसका मतलब यहां पर एच प्लस इसने दे दिया, जब इसने H प्लस दिया तो ये किसकी तरह बिहेवियर करेगा? अमल की तरह। यहां पे हमारे पास क्या था? H2O था। अब ये जो H2O है वो किस में बदल गया? किस में बदला? H3O+ में। इसका मतलब इसने क्या ग्रहण किया? H प्लस ग्रहण कर लिया। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? क्षार की तरह बिहेव करेगा। एक चीज और आपने बेटा ध्यान रखना है कि सिंपल वे के अंदर, जैसे CH3COOH अमल जो होते हैं, H प्लस देते हैं ना, तो इसको H कर देते हैं और इसको हम क्या लिख देते हैं? A लिख देते हैं। A का मतलब एसिड, A का मतलब क्या है? एसिड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? HA भी लिख सकते हैं। A यहां से इसका मतलब क्या है? एसिड। एसिड क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। तो इसको
हर अम्लों को आप एच ए बी लिख सकते हैं। क्षार को हम क्या लिखेंगे, बी लिख दिया। बी का मतलब बेस, बी का मतलब क्या है यहाँ पर, बेस है। बेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्षार। और अम्ल को आप क्या लिखोगे, एच ए। एच का मतलब जो ये एच प्लस देते हैं, और बाकी जो इस पूरे भाग को आपने क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो अम्ल को हम क्या लिख सकते हैं, एच ए भी लिख सकते हैं। बी, बी आपका हो गया बेस, तो ये क्या करेगा, ये एच प्लस इसको दे देगा, दे देगा। तो यहाँ क्या बचा, अगर इसने प्लस का दे दिया तो क्या बचा, माइनस का बच गया। इसमें प्लस यहाँ पे क्या बना, एच बी प्लस बन गया। तो ये आपका अम्ल, ये आपका क्षार। अब हम उल्टा देखें अगर, ठीक है, इन्होंने एक और संकल्पना दी थी संयुग्मी, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कहते हैं। हम इसी में समझेंगे, इसके अंदर समझते हैं बेटे, इसको उल्टी अभिक्रिया देखिए इसके अंदर, ठीक है। अब क्या देखें, अगर अपने मान लेते हैं मैं इसको ये कर देता हूँ, मान लिया इसको ऐसे किया, एरो कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, सी एल माइनस है, सी एल माइनस, और यहाँ पे आपका क्या है, एच थ्री ओ प्लस है, ठीक है। तो यहां से एक एच प्लस आया, क्या आया, एच प्लस आया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, सी एल माइनस है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, एच सी एल। ये देखिए एच सी एल, इसका मतलब यहाँ तो ये अमल कितना काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने एरो उल्टा किया, अभिक्रिया ऐसे दिखा दी हमने, तो ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर यह है अमल की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं सॉरी, क्षार की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, इसको H प्लस दे रहा है। अब एच थ्री ओ प्लस में से आपने H प्लस निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, एच टू ओ बच गया भाई। आपने एक H प्लस निकाला, पीछे क्या बचा, एच टू ओ बचा। इसका मतलब ये प्रोटोन दे रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, अमल की तरह काम कर रहा है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह काम कर रहा है। तो इस युग्म को, इस युग्म को क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षार एवं संयुग्मी अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन देने के बाद, क्या बेटे, अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन देने के बाद किसमें बदल जाता है, संयुग्मी, संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, ठीक है। और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद, क्या चीजें, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किसमें बदल जाता है, उल्टा, ये क्षार है तो ये किसमें बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो ये हम अगर आपको ये कहें कि HCl और Cl- जो आपका है, कौन सा बेटा, HCl और Cl-, तो ये आपका है क्या, अम्ल है, और ये आपका क्या है, संयुग्मी। इसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, संयुग्मी क्षार बोला जाता है, ठीक है। अमल, संयुग्मी क्षार, युग्म, इसको युग्म भी लिख देते हैं। युग्म, युग्म का मतलब दो हो गए, एक और एक दो। अब हम ये ले लें, और क्या बना था, H2O था, H2O किस में बदल गया हमारा, H3O प्लस में बदल गया। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा क्षार है। तो ये देने के, लेने के बाद, H प्लस लेने के बाद किस में बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में बदल जाएगा। जो क्षार होता है वो संयुग्मी अम्ल में बदलता है, जो अम्ल होता है वो संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है इसके अंदर, क्योंकि संयुग्मी अम्ल और क्षार, मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ और फिर उसमें हम समझेंगे कि इसमें संयुग्मी अम्ल क्या है और संयुग्मी क्षार कौन सा है। मैं एक और उदाहरण इसमें ले रहे हैं हम, मान लिया ये अभिक्रिया मैंने लिखी NH3 प्लस H2, क्योंकि NH3 अमोनिया जो होता है बेटा वो क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। कैसी नेचर होती है इसकी, अम्लीय, क्षारीय प्रकृति होती है। क्षार क्या है, प्रोटॉन ग्राही है, क्या है बेटा, प्रोटॉन ग्राही है। इसको वाटर को आप क्या लिख सकते हो, HOH। तो ये क्या करेगा, जल जो होता है वो एक H प्लस, ये वाला, ये इसको दे देता है, ये प्लस और माइनस होता है, H पे प्लस होता है और OH पर माइनस होता है। तो ये H प्लस किसने दिया, इसको दिया, इसको दिया, तो यहाँ क्या बना, NH3 तो था ही, NH3 था, इसमें एक H प्लस जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बन गया, है ना, NH3 था और एक H और आपने जोड़ दिया, तो NH4 प्लस बन गया, ठीक है। तो इसको
ये क्या बना हमारे यहाँ पर NH अमोनिया किसमें बदल गया बेटा, NH फोर पॉजिटिव चेंज हो गया। अब यहां क्या बचा, ये एच प्लस तो चला गया, अब बचा क्या OH माइनस बच गया, क्या बच गया OH माइनस। तो अब इसमें देखो NH3 किसमें बदल रहा है, NH4 प्लस में। कैसे बदल रहा है, बाय एक्सेप्टिंग प्रोटोन, एक प्रोटोन ग्रहण करके। H2O है वो क्या कर रहा है, किसमें बदल रहा है OH माइनस में बदल रहा है, किसमें बदल रहा है OH माइनस में। कैसे बदलेगा, एक प्रोटोन डोनेट करके या दाता करके, ठीक है। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, क्षार की। क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अमल क्या होता है, जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। अब ये क्षार किसमें बदल गया, उल्टा लिखना, क्षार है तो ये जो बना है वो आपका हो जाएगा संयुग्मी अमल हो जाएगा। आपसे एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वो हम इसके बाद में देखेंगे। ये आपका अमल है बेटा, ठीक है। ये अमल, अमल किस में बदल जाएगा, संयुग्मी, संयुग्मी क्षार के अंदर बदल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को लिख देते हैं NH3 और NH4 प्लस आपका क्या हो गया, क्षार संयुग्मी, संयुग्मी अमल, ठीक है, युग्म हो गया। और ये आपका क्या हो गया, जल H2O और क्या बेटे OH माइनस। तो ये हमारा क्या था, ये था अमल और ये हमारा क्या है, संयुग्मी क्षार है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें बदल जाता है, संयुग्मी अमल में बदल जाता है। और जो अमल होता है वो प्रोटॉन डोनेट करके, दान करके किसमें बदल जाता है, संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। मान लिया एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक प्रश्न आया, एक क्वेश्चन ये आया कि H2SO4 का संयुग्मी क्षार लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया कि H2SO4 का संयुग्मी क्षार लिखो, ठीक है। इसका मतलब संयुग्मी क्षार लिखना, इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, अमल की तरह कार्य करेगा। अब अमल क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो हमें बेटे करना क्या है, एक H प्लस इसमें से निकाल देना है। क्या करना है, एक H प्लस निकाला, ये आप लीजिए H प्लस निकाल दिया। अब पीछे क्या बचा, पीछे ये बचा H, यहाँ एक H बचा, SO4 बच गया। हमेशा ध्यान रखना ये यौगिक क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। जितना प्लस का आवेश होता है उतना ही क्या होता है, माइनस का भी आवेश होता है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या है बेटा, एक प्लस है ना। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, एक माइनस आ जाएगा। तो H2SO4 का संयुग्मी क्षार क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, संयुग्मी क्षार बन गया, ठीक है। तो आपने जो भी यौगिक दिया होगा अगर वो संयुग्मी सार पूछे तो उसमें से एक H प्लस निकाल देना। अगर संयुग्मी अमल पूछे, जैसे ये पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन NH3 का संयुग्मी अमल, अमल लिखो, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, संयुग्मी अमल लिखना है। इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह कार्य कर रहे हैं। क्षार क्या करते हैं, प्रोटोन ग्राही होते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, NH3 में आपने क्या ऐड कर देना है, क्या जोड़ देना है, एक H प्लस आपने जोड़ देना है। जोड़ दिया तो किसमें बन गया, तीन तो थे, एक ये हो गया, तो क्या बना, NH4 प्लस हो गया। तो संयुग्मी अमल क्या बना इसका, इसका संयुग्मी अमल ये बन गया, NH4 प्लस। एक और उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है, फिर उसमें और देखते हैं। H2SO4 की जगह नहीं लेंगे, कोई एक नया उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे आपको ये आ गया, कोई भी दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, H2CO3 ये दे दिया, माइनस का संयुग्मी सार लिखो, ठीक है। क्या बताया, HCO3 का संयुग्मी सार लिखो। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, अमल की तरह कार्य करेगा। जब अमल की तरह कार्य करेगा, इसका मतलब इसमें से हमें क्या निकालना है, एच प्लस आपने बाहर निकाल देना है। निकाल दीजिए HCO3 माइनस, आपने एक एच प्लस बाहर निकाला, ये लीजिए एच प्लस मैंने बाहर निकाल दिया। तो एक तो माइनस था, एक आपने एच प्लस और निकाला, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, माइनस के कितने आएंगे, दो माइनस के आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस। इन दोनों को जोड़ के देख लिया करो, वही यही सेम उत्तर आना चाहिए।
जैसे यहाँ पे माइनस के दो है प्लस का एक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा, दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़ेंगे, जैसे जोड़ा तो क्या बना HCO3, ये माइनस का दो, ये प्लस का एक, बचा क्या, माइनस का एक बच गया। तो ये इस जैसा ही है, इस जैसा ही होना चाहिए, उसमें अगर आप जोड़ के देखेंगे तो इस जैसा होना चाहिए। तो इसका संयुग्मित क्षार क्या हो गया, CO3 2- हो गया। ठीक है, अब एक और मैं सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, इसमें ऐसा लिख दिया, मान लेते हैं कैसा लिखा, इसका संयुग्मित अम्ल लिखो, मान लिया क्या आ गया, इसका संयुग्मित अम्ल लिखो। ये पूछ लिया हमसे कभी, संयुग्मित अम्ल लिखिए HCO3 माइनस का, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है, क्योंकि अम्ल है तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, क्षार की तरह। उल्टा याद रखना है, क्षार जो होता है वो संयुग्मित अम्ल में बदलता है, अम्ल जो होता है वो संयुग्मित क्षार में बदलता है। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर किसकी तरह कार्य कर रहा है, ये क्षार की तरह कार्य कर रहा है। तो HCO3 माइनस, इसमें जोड़ना क्या बेटा, H प्लस जोड़ना है, जोड़ दीजिए, प्लस से माइनस गायब हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के क्या बना, H2CO3। तो इसका संयुग्मित अम्ल क्या हो गया आपका, H2CO3 हो गया। ठीक है, अब एक और मैं समीकरण लिख रहा हूँ, आपने बताना है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। ठीक है, और HCl प्लस H2O, मैं सीधा अभिक्रिया लिख रहा हूँ, आपने इसमें मुझे बताना है Cl प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये अभिक्रिया दे दी और उसमें पूछा कि अम्ल कौन सा है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे HCl किस में बदल रहा है, HCl किस में बदल रहा है, Cl माइनस में बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अम्ल की तरह। एक पता चल गया, दूसरा हमको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्षार की तरह है, ये अम्ल है तो ये किस में बदल गया, संयुग्मी किस में बदला, संयुग्मी क्षार में बदल गया। ये आपका क्षार है, ये किस में बदल गया, संयुग्मी अम्ल के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, एक वो सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसकी कमियां देखेंगे हम, इसमें क्या क्या कमियां थी। मान लिया मैंने ये लिया बेटा CH3COOH प्लस H2O ले लिया। ठीक है, मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ, बस आपने मुझे बताना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। देखो CH3COOH ये बदल किस में रहा है, CH3COO माइनस में, इसका मतलब इसमें क्या कम हो रहा है, H प्लस कम हो रहा है। जब H प्लस कम हो रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा, अम्ल की तरह काम करेगा। ये क्या कर रहा है, H प्लस है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह कार्य करेगा। अब ये अम्ल जो होता है वो किस में बदलेगा, संयुग्मी किस में बदलेगा, उल्टा लिखना है बेटा, संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। तो इसका संयुग्मी क्षार ये हो गया, ये क्षार है तो ये क्या बन जाएगा, इसका संयुग्मी अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किस थ्योरी के बारे में, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के बारे में। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या आया हमारा कि जो प्रोटॉन देंगे या प्रोटॉन ग्रहण करेंगे तो वही सेम जो आर्हेनियस में जो हमारी थी, आर्हेनियस में जो कमियां थी वो इसमें भी है। अगर बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो अम्लीय होते हैं लेकिन उसमें एच प्लस होता ही नहीं, जब एच प्लस नहीं होता तो वो क्या है, उसकी अम्लीयता कैसे बताएगा, वो ये नहीं बताता। ठीक है, तो जैसे कमियां, इसकी कमियां क्या क्या होगी, कमियां पहली कमी क्या होगी, जैसे कुछ यौगिक जैसे CO2 SO2 NO2 BF3, ठीक है, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, इसको नाम क्या कहते हैं, इसमें बोरोन ट्राई फ्लोराइड, ये क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, परंतु क्या नहीं है इसमें, परंतु इनमें हाइड्रोजन नहीं है, H नहीं है। जब H है नहीं तो कैसे डोनेट करेंगे, है ना। तो एक तो ये कमी हो गई, दूसरा हो गया वही जो सेम हमने किया था, कौन सा किया था, मैंने लिखा था MgOCaO, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु ये अम्ल ग्रहण नहीं करते। ठीक है,
H प्लस ग्रहण नहीं करते, परंतु ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ये ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के द्वारा हम नहीं समझा सकते, ठीक है। अब उसके आधार उसके बाद क्या हुआ, एक नई थ्योरी आई जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, लुईस का सिद्धांत, ठीक है, लुईस की परिकल्पना 1923 के अंदर। नेक्स्ट हमारा हो गया लुईस, बिल्कुल आसान है, लुईस परिकल्पना, लुईस परिकल्पना 1923 के अंदर लुईस ने अम्ल और क्षार को समझाने के लिए सिद्धांत दिया था। जैसे क्या होता है कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के अनुसार क्या था, अम्ल प्रोटॉन देते हैं, भाई जब प्रोटॉन देगा तो कुछ तो ग्रहण करेगा, क्या ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन, युग्म ग्रहण करेगा। तो लुईस के अनुसार ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो ग्रहण करते हैं, ग्राही अमल कहलाते हैं, ठीक है, एवं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमल कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें सिंपल सा याद रखना है, अमल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो गए, ठीक है, ग्राही, क्षार क्या हो गए यहां पर, इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब दो, युग्म किसको बोलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे ये, वो क्या होंगे, दाता हो गए। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो है वो क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो है वो क्या है अमल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, मैं इसको समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। ये आपका हमारा क्या हुआ बेटा, अमोनिया हुआ NH3, ठीक है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। चलो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है, BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड प्लस NH3, इसके पास क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जब भी ये यौगिक बनता है, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मैं बताऊंगा कैसे कमी होती है, ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि वो ये यौगिक स्थायी होते हैं जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में मैंने बताया था जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यौगिक स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है BF3 के पास, मैं बताऊंगा क्यों कमी होती है, और ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसको दे देता है, किसको, बोरोन को दे देता है, और एक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको पहले लिखा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिए, किसको, BF3 को दे दिए। ये जो आपका बंध बनता है उसको क्या कहते हैं, उप सह संयोजक बंध कहते हैं, उपसह संयोजक बंध कहते हैं, उपसह संयोजक बंध किसको कहते हैं, यदि सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही युग्म देता है, एक ही यौगिक देता है, उसको क्या कहते हैं, उपसह संयोजक बंध। वैसे तो हम क्या करते हैं, बंध को एक लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन जहां भी उपसह संयोजक बंध होता है उसको तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, और इस साइड में क्या होता है, इस साइड में होता है दाता जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और इस साइड में हम लिखते हैं ग्राही को लिखते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह कार्य करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा,
अम्ल की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि अम्ल क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। क्षार क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। और दोनों आपस में उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही तो लेगा। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो सारे क्या करेंगे? क्षार की तरह कार्य करेंगे। और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करेंगे। तो मैं इसको बेटे हम कह रहे हैं वर्गीकरण। पहले लुइस अम्लों का वर्गीकरण। तो लुइस अम्ल जो है, मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर दो तरह के हो सकते हैं। सारे धनायन जिस पर भी प्लस आवेश होता है, प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। क्या हो गई उसके पास? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो वो किसके तरह कार्य करेगा? लुइस अम्ल की तरह कार्य करेगा। और कई ऐसे यौगिक हैं, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे यौगिक हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। क्या होती है बेटे? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो वो भी किसकी तरह करेंगे? लुइस अम्ल। तो धनायन जिस पे भी होता है, एच प्लस हो गया, CH3+ हो गया, ठीक है, H+ हो गया, CH3+ हो गया। और कोई एग्जाम्पल आपको, अगर आपको याद आता है, जितने भी प्लस वाले हैं, ठीक है, जितने भी प्लस वाले हैं, जैसे Mg2+ हो गया, हालांकि बहुत कम इसके ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो H+, CH3+, Mg+, Hg+, जितने भी प्लस वाले होंगे वो सारे के सारे क्या करते हैं? लुइस अम्ल का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक हैं, आप ये याद रखो, बैंगन, आलू, गोभी, Ga, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, Na, ये 13वां ग्रुप होता है बेटा। जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, आवर्त सारणी जब हम पढ़ेंगे, तो ये 13वां समूह होता है। 13वें समूह में ये 1, 2, 3, 4 और 5 आपके तत्व आते हैं, ठीक है। बैंगन, इसको क्या ऐसे याद रखने का तरीका है, बैंगन, आलू, ये गोभी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं Na, Tl है बेटा, ये Tl को मतलब थैला। तो इनके जितने भी यौगिक होते हैं, इसके जितने भी यौगिक होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? लुइस अम्ल की तरह काम करते हैं। और लुइस अम्ल की तरह कार्य करेंगे तथा उसके अंदर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो मैं इसे एक दो उदाहरण लिख रहा हूँ, BF3 लिख दीजिए, AlCl3 लिख दीजिए, GaCl3 लिख दो, ठीक है, BCl3 लिख दीजिए, कुछ भी एक दो एग्जाम्पल आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। कई और भी यौगिक होते हैं, जैसे FeCl3 भी इसकी तरह कार्य करता है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक या दो उदाहरण आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके किसकी तरह कार्य करेंगे? लुइस अम्ल की तरह कार्य करेंगे। अब आ गया लुइस सार का वर्गीकरण। अब लुइस सार, भाई सार का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। जिस पर भी माइनस आवेश होता है ना बेटा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिसके पास प्लस आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ध्यान में रखना, आपने माइनस आ गया इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, प्लस किसी के ऊपर आ गया इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम करेंगे लुइस क्षार का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण बेटे? लुइस क्षार का वर्गीकरण। दो इसमें तो क्या था? धनायन वाले आ गए। अब इसका मतलब इसमें क्या आ जाएंगे? सारे ऋणायन वाले आ जाएंगे। सारे ऋणायन, जिस पे भी आपका ऋण आवेश होता है वो सारे इसमें आएंगे। जैसे Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, F- हो गया, OH- हो गया, जो भी आपको माइनस वाले याद आते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। दूसरा हो गया कि इसके अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये तो 13 वाले हो गए। जो 13 वाले होते हैं वो तो अम्ल की तरह कार्य करेंगे। उसके बाद जो 15वां समूह है हमारा,
पंद्रहवां समूह जो क्या है, पंद्रहवां समूह है, वो हम पीरियोडिक टेबल में आएंगे, मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता, लेकिन ये ध्यान रखना एन पी नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी, ठीक है, वर्गीकरण है, ठीक है। क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं, क्या देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं। अब देगा कौन, जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, ठीक है, देगा कौन, जिस पर ऋण आवेश होता है। अब ऋण आवेश, जितने भी ऋण आवेश वाले आपको याद आते हैं, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, ओ एच माइनस, जितने भी माइनस वाले आपको याद आते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं और किसकी तरह कार्य करेंगे, लुईस क्षार की तरह कार्य करेंगे। दूसरा ये हो गया कि जो पंद्रहवां समूह है, ठीक है, वो तो लुईस अमल में तो कौन सा आया था, तेरहवां समूह। अब पंद्रहवां में नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी, ये याद रखने का तरीका है। एन नहीं का मतलब ये होगा नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये आपका एंटीमनी है, फिर ये बिस्मिथ है। तो इसके जितने भी यौगिक होंगे, इनके जितने भी यौगिक होते हैं, वो सारे के सारे इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जैसे नाइट्रोजन NH3, फिर फास्फोरस PH3, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। फिर उसके बाद जो सोलहवां समूह है, सोलहवां समूह होता है, वो होता है OS, बस दो ही याद रखो, ऑक्सीजन और सल्फर। तो इसमें H2O बनता है, हमको पता है, और यहाँ पर H2S लिख देते, इसके पास कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करेंगे। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इस थ्योरी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केवल वे ही यौगिक अमल और क्षार की तरह कार्य नहीं करते जिनके पास हाइड्रोजन हो या OH माइनस हो, लेकिन ये जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं, किसकी तरह करते हैं बेटे, वो भी लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि NH3 बना कैसे, आपको, आप सोचते होंगे कि ये बना कैसे, सर ने कैसे लिख दिया। मैं देखिए, नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, टोटल कितना हो गया, सात हो गया, कितना हुआ, सात। तो पहले कोष में दो गए और दूसरे में कितने गए, पांच चले गए। अब स्थाई होने के लिए मैंने आपको बता दिया कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आठ होने चाहिए, कितने होने चाहिए, आठ, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो स्थाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कितने चाहिए, आठ चाहिए, तो इसके पास कितने हैं, पांच, ठीक है। या तो ये क्या करे, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या क्या करे, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ठीक है बेटा, क्या कर ले, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होता है, न कि पांच इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो ये क्या करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया तो क्या बना, कितना आवेश आ गया एन पर, कितना आवेश आया बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उस पर माइनस, इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा लिखते हैं, ई के ऊपर माइनस आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, ई के ऊपर माइनस लगा दी, ये बन गया, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक एक, इसके मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, एक हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसके अंदर ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना देता है, एच प्लस निकाल देता है, और क्या बना देगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एच के ऊपर प्लस आ गया। अब ये दोनों जुड़ जाते हैं, एन पे थ्री माइनस है और एच पे क्या है, प्लस है, जोड़ दें, देखो ये आपका प्लस है, माइनस कैंसिल हो गया, ये थ्री यहाँ पे चला गया, क्या बन गया, NH3 बन गया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो ये NH3 कैसे बना, ठीक है। अब ये इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म कैसा है, बस वो थोड़ा सा देख लीजिए। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन थे, बाह्यतम वाला देखना है, ये पांच बना, एक दो तीन चार और पांच, और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी एक है, इसने इसके साथ बंध बना लिया, इसने इसके साथ बंध बना लिया, इसके साथ इसने बंध बना लिया। अब ये देखो इसके पास क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा हुआ है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो ये हमारी होगी कौन सी परिभाषा, कौन सी संकल्पना होगी, लुईस की संकल्पना होगी। तो आपने ध्यान में रखना है कि अमल के लिए समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे, अरेनियस, ब्रांस्टेन, लोरी
और लुईस। आरहेनियस ने क्या कहा था, वे पदार्थ जो क्या कहा था, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर H प्लस देते हैं उन्हें अम्ल, जो OH माइनस देते हैं उन्हें क्षार। ब्रासनर लोरी के अनुसार प्रोटोन दाता जो प्रोटोन देते हैं H प्लस देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटोन ग्रहण करते हैं H प्लस लेते हैं वो क्षार। और लुईस के अनुसार जो हमारा लास्ट है, लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो वो क्षार है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टोटल अम्ल बेस को बताने वाली थ्योरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके जो सामान्य गुण होते हैं अम्ल के, कौन कौन से सामान्य गुण है।